गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस के बारे में, और लाइफ प्रोसेस हमने जो बताई थी उसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था। नंबर सेकंड लाइफ प्रोसेस की रेस्पिरेशन, नंबर थ्री क्रॉप जो थर्ड लाइफ प्रोसेस की ट्रांसपिरेशन, नंबर फोर्थ लाइफ प्रोसेस जो थी एक्सक्रीशन, एंड नंबर फिफ्थ टू लाइफ प्रोसेस की थी रिप्रोडक्शन। ये पांच लाइफ प्रोसेस थी जो आपने पढ़ी थी। अब आज हम उसके बाद आएंगे हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन। तो प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो किस प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। किस प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो क्या होता है ये? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोज। इस पॉइंट प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो अपना फूड बनाती हैं। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो आप सब जानते हैं जैसे कि ये चार चीज़ें जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये चार चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर टू वाटर, नंबर थ्री क्लोरोफिल एंड नंबर फोर आपकी सनलाइट। ये चार हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ये हो गई आपकी फोटो। अभी नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास छह मॉलिक्यूल होते हैं प्लस सिक्स एच टू। वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? सिक्स प्लस सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस। गिब्स क्या इस चीज का फॉर्मेशन करती है? ये गिब्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स C6H12O6 और इसी के साथ सिक्स मॉलिक्यूल्स इसके ऑक्सीजन के लिए बीस की चीज का फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज का प्लस ऑक्सीजन का। ये दो चीज़ों का फॉर्मेशन होता है इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। मीन्स जब कार्बन डाइऑक्साइड के छह मॉलिक्यूल्स और वाटर के छह मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, देन ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और इसका फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन के सिक्स मॉलिक्यूल्स का। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स
होता है फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो पहला रॉ मटेरियल जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर टू वाटर। ये दो रॉ मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के। इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे? प्लांट्स में तो कार्बन फोटोसिंथेसिस के थ्रू है, अगर आप बताते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम सबको पता है एनिमल्स अपना फूड खुद तो बनाते ही बनाते हैं और वो डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म और प्लांट पर। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड आर एंड डिपेंड other plants and animals for their food. ठीक है, इसके बाद on the basis of food animals on the basis of food animals, animals are classified into three types. Animals को हम कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं? थ्री टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं उसकी फूड हैबिट के अनुसार। आप और देखिए कौन कौन सी टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल काउ डॉग काउ गो। नंबर टू कार्निवोरस, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके टाइगर लायन। एंड नंबर थर्ड ओमनिवोरस, इसके एग्जाम्पल्स होंगे बुक ह्यूमन। मीन्स हर्बिवोरस दोज एनिमल्स विच कैन ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स और वेजिटेबल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हर्बिवोरस। ठीक है, जो अपने फूड के लिए टोटली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड हैं वो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? हर्बिवोरस। और एग्जाम्पल्स जो भी हर्बिवोरस हैं काऊ है, गोट है, बफेलो है। कार्निवोरस दोज एनिमल्स विच आर डिपेंड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो दूसरे एनिमल्स के मास पर डिपेंड है, फ्लैश पर डिपेंड है, ऐसे एनिमल्स का नाम है कार्निवोरस। एग्जाम्पल टाइगर एंड लायन। एंड थर्ड वन इज ओमनिवोरस, जो दोनों चीज़ों पर डिपेंड है लाइक ह्यूमन बींग्स। हम लोग दोनों चीज़ों पर डिपेंड है, फ्लैश पर भी और प्लांट्स पर। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक। समझ में आ रही है बस इस नहीं आज के लिए है। और इसके बाद अगले 12 आपको रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसकी उसकी पहले से तैयारी करें।